नोकिया G42 5G। मतलब थंबनेल और टाइटल देख के आपके भी दिमाग में वही आया जो मेरे दिमाग में आया था क्या? मतलब मैं तो भूल ही गया था कि भाई नोकिया भी कोई ब्रांड है जो फोन लॉन्च करता है। सही में भाई, नोकिया नाम सुनते वो टिप टिप हुआ पुराना वाला फोन याद आता है। खैर चलो फोन को देखते हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो कलर तो देखो, इसमें एक पर्पल कलर आया है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, और एक ब्लैक कलर है जो कि नॉर्मल है। पीछे साइड 3 कैमरा दिख रहा है जिसका हाउसिंग काफी नॉर्मल सा है। मतलब डिजाइन वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत नॉर्मल सा डिजाइन है। फ्रंट से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है कि भाई इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, छोटा रहता तो और बेटर रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, ओवरऑल फोन अगर बहुत अच्छा हुआ तो ये भी चलेगा। बड़ी ही देख रहे हैं तो थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस 8.6 mm है, जो कि मोटा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, पतला भी बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब हाँ, थिकनेस बहुत परफेक्ट सा है। वेट 193 ग्राम है, जो कि ठीक है क्योंकि इसमें 5000 mAh का बैटरी है। डिस्प्ले देखें तो इसमें 6.56 इंच का 90Hz रिफ्रेश रेट वाला HD डिस्प्ले है, जिसका पीक ब्राइटनेस 550 nits है और नॉर्मली 450 nits तक जाएगा। और डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 का है। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये स्पेक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मतलब इस फोन का इंट्रोडक्टरी प्राइस 12600 रुपए होने वाला है, और उस हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच, मोटे मोटे बेजल्स, 90Hz का LCD, HD डिस्प्ले, इवन फुल HD भी नहीं, भाई 12500 का फोन है ये। मुंडन ठाकुर को पैसा देने के बजाय फोन अच्छा बना लेते तो खुद ब खुद बिकता, क्योंकि नोकिया पे ऑलरेडी काफी लोगों का ट्रस्ट है। कैमरा देखे तो भाई पीछे जो 3 कैमरा दिख रहा है उसको बस एक ही कैमरा मानो, क्योंकि बाकी का दो मेगापिक्सल का है, जो एक मैक्रो है, एक डेप्थ है। मतलब कुल मिला के रियर में सिंगल कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि ऐसा कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं कि इस प्राइस में बहुत अच्छा कैमरा है, वो सिंगल भी ऐसा एवरेज कैमरा सा ही है। सेल्फी भी मात्र 8 मेगापिक्सल है, ये तो 16 देना ही चाहिए था भाई, लेकिन कोई नहीं, इस प्राइस के काफी सारे फोन में 8 मेगापिक्सल ही आता है। बाकी हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, मुझे तो लग रहा था इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं होगा। बाकी हाँ, बैटरी में कोई कमी नहीं है, वो 5000 mAh का है और चार्जिंग भी 20W का है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करो तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट है, जो कि ठीक हुआ। वैसे हाँ, इसको होल्ड पे रखो, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा और एकदम क्लीन UI रहता है भाई नोकिया में, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे नोकिया की। लेकिन ओवरऑल फोन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इस प्राइस के मैं और फोन से कंपेयर करूँ तो वो मच मच बेटर निकल जाते हैं, जैसे इन्फिनिक्स हॉट 30i, टेक्नो पोवा 5। मतलब थोड़ा मोटा डिफरेंस रहे तो चलो ठीक है, कह लूंगा कि हाँ भाई इन्फिनिक्स में एड्स वगैरह थोड़े मोटे रहते हैं, नोकिया एकदम क्लीन UI है तो नोकिया ले लो, लेकिन जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है भाई। इसी प्राइस में टेक्नो 45W का चार्जर दे रहा है, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल डिजाइन दे रहा है, परफॉर्मेंस इससे बहुत आगे का दे रहा है। और अब जो लोग बोलेंगे नहीं भाई एड्स वगैरह मेरे से नहीं झेला जाएगा, तो भाई आपके लिए मोटरोला है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे फोन लाता है, 1000-2000 ऊपर नीचे किसी तरह करके जो मोटरोला का फोन सेल में मिले वो ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी हाँ, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।